हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ पेनवेल्स कुकीज़, वो भी एगलेस। मैं आज इसे बिना एग के ओवन में और कढ़ाई में दोनों तरीके से बेक करके बनाऊंगी, और दोनों ही बहुत ही टेस्टी बनती है। इनके टेस्ट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, चाहे वो ओवन वाली हो या कढ़ाई वाली, दोनों का टेस्ट सिमिलर ही रहता है। तो चलिए जल्दी से इस टेस्टी सी एगलेस पिनव्हील कुकीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये सॉल्टेड बटर लिया है अमूल का। इसे मैं 1/4 कप जितना यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आप चाहे तो यहाँ पे घी का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं 1/4 कप जितना ही पिसा हुआ चीनी ले रही हूँ। मैंने ये मिक्सी में पीस लिया था चीनी को, ये रेगुलर चीनी है वही से पीस के लिया है मैंने इसे। और अब इसे मैं अच्छे से फैटूंगी। अब मैं इसे हैंड बीटर से ही फैट रही हूँ। मैं इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये चीनी अच्छे से बटर के अंदर मिक्स नहीं हो जाए, घुल नहीं जाए अंदर, तब तक हमें इसे फैटना है। जब ये चीनी इस बटर के अंदर अच्छे से घुल जाए, इसका हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जब चीनी पिघल जाती है इसके अंदर, तब उसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप जितना मैदा ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें ले रही हूँ सारे मेजरमेंट कप से नाप से ही ले रही हूँ, जिससे इसके आपको भी बनाने में इजी रहे। और अब मैं इसके साथ में मैंने 1 टेबल स्पून जितना मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अब हम इसे भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। मैं इस कुकीज़ में बेकिंग सोडे का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बेकिंग सोडे से कुकीज़ का थोड़ा सा टेस्ट का चेंजेस आ जाता है, टेस्ट का उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है सोडे से। तो इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे बेकिंग पाउडर का ही यूज़ किया है। और अब हमें इसे मुट्ठी बन जैसा मोयन बन गया है इसमें, तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो बना देंगे। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जितना मैंने दूध का यूज़ किया है इसका ये डो बनाने में। ये देखिए, इस तरीके से एक सॉफ्ट सा डो बना के मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसकी कुकीज़ बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे पिनव्हील कुकीज़ बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे 2 कलर में ये डो चाहिए। तो उसके लिए मैं इसे पहले 2 हिस्सों में बांट लूँगी इस डो को। तो मैंने इसे बराबर 2 हिस्सों में बांट लिया है। एक हिस्से को मैं वाइट रखूंगी, तो उसे मैं साइड में रख लूंगी, और दूसरे वाले हिस्से के अंदर मैं कोको पाउडर ऐड करूंगी, जिससे कि इसका कलर चेंज हो जाए और हमें जो व्हील्स का जो शेप बनाना है पिन्स व्हील्स का, उससे अच्छे से वो शेप आ जाए, वो लाइनिंग दिखे, वो जो हम सर्कल में जो बनाएंगे उसके लिए हमें ये 2 कलर में बनाना है। तो मैंने एक जो हाफ डो हिस्सा रखा था उसके अंदर मैंने ये 1 टेबल स्पून जितना कोको पाउडर ऐड किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने ये अच्छे से कोको पाउडर को इस डो के अंदर मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हमारे पास 2 कलर के ये डो तैयार हो चुके हैं कुकीज़ बनाने के लिए। तो अब मैं पहले बटर पेपर ले रही हूँ, क्योंकि हमें इसे बेलना है, तो उसके लिए मैं बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी भी पॉलीथीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं पहले वाइट वाला जो डो मैंने लगाया था वो ले रही हूँ, और इसके ऊपर मैं फिर से एक बटर पेपर लगा के इसे बेल लूँगी, जिसे बेलने में थोड़ा इजी रहता है, वो चिपकता नहीं है अगर दोनों तरफ हम कुछ पेपर पॉलीथीन लगा के इसे बेलते हैं तो, और उसे निकालना भी इजी रहता है। अगर हम डायरेक्ट बेलेंगे तो वो टूटने का डर रहता है, तो इसीलिए मैंने इसे इस तरीके से पतला सा बेल लिया है। हमें इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। ये जैसा हम पराठा बनाते हैं उस तरीके से थिकनेस रखनी है इसमें। और अब मैंने इसे वाइट वाले हिस्से को बेल के साइड में रख लिया है। इसे कवर करके रखना है ताकि वो ड्राई नहीं हो, सूखे नहीं। अगर वो सूख जाएगा तो हम उसे फोल्ड नहीं कर पाएंगे, ड्राई हो जाएगा तो। तो अब मैं दूसरे वाला जो हिस्सा है जिसमें हमने कोको पाउडर मिक्स किया था, उसे भी मैं बेल लूँगी। जिस तरीके से मैंने वो वाइट वाला बेला था, उसी उसी साइज़ का हमें बराबर उसके नाप का ही हमें इसे बेलना है। तो ये देखिए, दोनों मैंने इक्वल साइज़ में इन दोनों को बेल के तैयार कर लिया है। ये देखिए, हम दोनों दोनों तैयार है हमारे पास ये डो। तो अब हमें इसके पिनव्हील्स बनाने हैं। तो उसके लिए मैं ये जो कोको पाउडर वाला जो हमने बेल के रखा है उसे मैं वाइट वाले हिस्से के ऊपर डाल रही हूँ। तो ये बहुत ही केयरफुली हमें इसके ऊपर डालना है। अगर वो थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो वो टूट जाएगा, तो हमें और फिर ये मिक्स हो जाएगा, तो हमें वापस इसे बेलने में मुश्किल आएगी। तो हमने थोड़ा केयरफुली इसके ऊपर डालना है और धीरे धीरे करते हुए हमें इसे फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको बटर पेपर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से केयरफुली इसे फोल्ड कर रही हूँ, उसको रोल कर रही हूँ।
अगर हम इसे फटाफट करेंगे तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा ये रोल। तो हमें थोड़ा सा इस यहाँ पे ध्यान रखना है कि थोड़ा स्लोली हमें केयरफुली इसे रोल करना है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे रोल कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे क्लीन फिल्म का यूज़ कर रही हूँ इसे रैप करने के लिए। आप जिस पॉलीथीन में या बटर पेपर में कर रहे हो उसी में डायरेक्ट आप इसे रोल करके भी रख सकते हो। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे रोल कर लिया है, अच्छे से कवर कर लेंगे इसे। और अब इस डो को हमें फ्रिज के अंदर रखना है 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि ये डो अच्छे से सेट हो जाए, थोड़ा हार्ड हो जाए, जिससे हमारे कुकीज़ कटने में इजी रहे। अगर हम डायरेक्ट कट कर लेंगे तो ये कुकीज़ कटेगी नहीं, वो बिखर जाएगी। तो इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया है डो को 20 मिनट सेट होने के लिए। जब तक वो हमारा डो सेट होता है तब तक मैं कढ़ाई को प्रीहीट कर रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया है और उसके अंदर एक स्टैंड रख लिया है जिसके ऊपर मैं ट्रे रखूँगी बेकिंग के लिए। और इसे कवर कर कर मैं लो फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दूँगी। जब तक कि हमारी कढ़ाई प्रीहीट होती है तब तक साइड में ये हमारा डो को भी रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए डो काफ़ी हार्ड हो चुका है, हमने रखा था तब काफ़ी सॉफ्ट था वो, और अब ये काफ़ी हार्ड है। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे जब भी आप कुकीज़ कट करें तब एक शार्प नाइफ का ही यूज़ करें, जिससे कि ये अच्छे से कट हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इक्वल बराबर साइज़ के सारे कुकीज़ को कट करना है। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए राउंड से सर्कल से बन रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इस सर्कल को बनाते हुए ध्यान रखना है। इसकी कॉर्नर्स जो थी मेरी वो थोड़ी ऊपर नीचे थी, तो वो इतना अच्छा शेप नहीं आया है उसमें। तो वो वाली कुकीज़ को मैं कढ़ाई के अंदर बेक करूँगी, और जो अच्छे से सर्कल आया है उसे मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। तो मेरी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी थी, तो मैंने जो छोटी वाली प्लेट के अंदर जो कुकीज़ रखी है वो मैं कढ़ाई के अंदर रख रही हूँ। इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूँगी कढ़ाई में। और मैंने साइड में ये अवन को भी 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख लिया था। और अवन में मैं ये कुकीज़ को मैंने 10 से 12 मिनट के लिए बेक किया है। तो हमारी अवन वाली कुकीज़ जल्दी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितने सुनहरा सा कलर आया है, दोनों तरफ से इसका इक्वली गोल्डन सा कलर आया है इस कुकीज़ पे। और ये 20 मिनट हो चुके हैं कढ़ाई वाली कुकीज़ को भी, इसे भी हम निकाल देंगे। ये देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, जो हमने अवन में जो बेक की थी वो दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुई है कुकीज़, और जो हमने कढ़ाई में बेक की थी वो सिर्फ एक ही तरफ से, नीचे की तरफ से जो तला था उसी तरफ से गोल्डन हुई है और ऊपर से थोड़ी वाइट रही है, क्योंकि कढ़ाई में सिर्फ एक ही तरफ से हीट लगती है, इस वजह से वो एक ही तरफ से ब्राउन हुई है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। पहले मैं ये अवन वाली तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कितनी खस्ता और कितनी सॉफ्ट ये कुकीज़ हमारी बन के तैयार हुई है। और ये कढ़ाई वाली है, इसे भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, क्योंकि इसे हमने कढ़ाई में बनाया है तो ये एक ही तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हुई है, तो थोड़ी सी उससे ओवन से खस्ता कम होती है, पर ये भी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये कुकीज़ बहुत ही अच्छी बनती है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।